इफेक्ट ऑफ करंट, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं माइक ऑफ है, वन सेकेंड, अभी आवाज आ रही है? चलो ठीक है, तो बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप किसकी बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, ठीक है। तो कोई चार्ज अगर रेस्ट में, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वहां पे दो कंडीशन आती है, एक्सेलरेटेड मोशन और अनएक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, अनएक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका, जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है, चार्ज पार्टिकल तो मोशन में है आपका यहाँ पे, उस सिचुएशन में आपका यहाँ पे फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी डिनोट करते हैं जनरली, अभी एनसीईआरटी भी और हम भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या यूज करते हैं जनरली, बी यूज कर लेते हैं। तब आपके पास पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करते हैं, और कुछ रेडिएशन भी एमिट होती है। जैसे आपको एक स्कूटी, आपके पास एक स्मूथ रोड पे चल रही है, एक स्कूटी है जो गड्ढे में, एक बार गड्ढे में जाती है फिर ऊपर आती है, फिर गड्ढे में जाती है फिर ऊपर आती है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया उसका, एक स्मूथ रोड पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया वहां पे आपका, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएशन भी एमिट होगी, जब बॉडी का मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वो रेडिएशन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम बात करेंगे फिफ्थ यूनिट में, ठीक है। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन में है तो क्या, दो ही बात करूं यहाँ पे, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। पूजा बेटा एक बार माइक ऑफ कर दो अपना, आपकी साइड से आवाज आ रही है। ये सारे बच्चे अपना माइक ऑफ कर दिया करो बेटा, ताकि और किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो अब आज के, अभी जो इस यूनिट में हम बात करेंगे, आपके पास जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में है तो क्या देगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ हम इन सिचुएशंस की बात करेंगे, इस कंडीशन की, स्टेडी करंट पास होगा, इसे बोलते हैं मैग्नेटोस्टेटिक। जब किसी कंडक्टर में से स्टेटिक करंट पास हो रहा है, स्टेटिक करंट या स्टेडी करंट कहते हैं उसको, स्टेडी करंट मतलब कॉन्स्टेंट करंट। उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या होगी, ये हम आज के चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हिलाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सारे बच्चे एक बार इसका। हो गया 2-3 नोट हो गया, ठीक है। आगे देखो, अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर वेयर विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज क्रिएटेड, क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर वेयर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टीट्यूट। एक कंडक्टर के स्पेस के अराउंड कुछ भी जो इन्फ्लुएंस हमें फील होता है, एक कंडक्टर के चारों तरफ कोई भी इन्फ्लुएंस जो हमें फील होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेट के चारों तरफ, ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, एक तरह का फोर्स जनरेट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द
the magnet, the space around the magnet where magnetic influence is created. Magnetic influence is created. जहां पे आप मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की जो नोटेशन हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक डॉट की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में, एक क्रॉस की फॉर्म में और एक डॉट की फॉर्म में. मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन दो तरीके से यूज करेंगे डायरेक्शन के पर्पज से, एक डॉट की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में. एक बार मैं बता देती हूँ डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होगा. यहाँ पे नोट कर लिया ये सबने, ठीक है. आगे देखिए, अब बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड नोटेशन. हम मैग्नेटिक फील्ड की दो नोटेशन यूज करते हैं, जिसको हमें एक टेबल से बना देती हूँ, जो भी आपकी एक्टिविटी होगी सारी इसी में आ जाएगी. ठीक है, अगर आप क्या कहते हो पॉजिटिव, अगर आप क्या कहते हो नेगेटिव, जैसे चार्ज में बात करते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या रहेगा वहां पे, डॉट. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या रहेगा, डॉट, और यहाँ पे सिंबल क्या रहेगा, क्रॉस. ठीक है, डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड, इसमें ये भी कह सकते हो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, इसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड और से अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ठीक है, इसका सिंबल नोट करते हैं, अभी बता रही हूँ जो लिखा है क्या लिखा है. इसके लिए सिंबल यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. डॉट का मतलब क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज. डॉट का मतलब क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज. क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इसका मतलब क्या रहेगा, क्लॉकवाइज. इसका मतलब क्या रहेगा आपका, क्लॉकवाइज. अगला नेक्स्ट, ये किस पोलरिटी को डिनोट करेगा, नॉर्थ पोलरिटी को. किसको डिनोट करेगा ये, नॉर्थ पोलरिटी को. और ये किसको डिनोट करेगा, साउथ पोलरिटी को. किसको डिनोट करेगा ये नॉर्थ पोलरिटी को डिनोट करेगा, और ये किसको डिनोट करेगा, क्रॉस, साउथ पोलरिटी को. ठीक है, एक साउथ पोलरिटी को डिनोट करेगा आपका, और एक आपका किसको डिनोट करेगा, नॉर्थ पोलरिटी को. एक नॉर्थ पोलरिटी को और एक आपका साउथ पोलरिटी को क्या करेगा, डिनोट करेगा. अब देखो कैसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसे पॉजिटिव में क्या कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड जब पड़ते थे क्या कहते थे, आउटवर्ड. ठीक है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो ऐसे में अंगूठा मेरी तरफ आया ना, वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्लेन के अपवर्ड में. ठीक है, जैसे कंडक्टर अभी बायोट सर्वर्सला में निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, तो देखो आपके पास ये डायरेक्शन कैसे है, ऊपर. ठीक है, तो आपके पास ये जब ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे अभी भूल जाओ थोड़ी देर इसको भी, इसको देखो ये कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज. इस सर्कल में करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो फील्ड कैसे होगी, वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, तो कैसे हो जाएगी डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो अंगूठा नीचे और ये डायरेक्शन,
क्लॉकवाइज की बात करूं तो अंगूठा नीचे और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे और क्लॉकवाइज में ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना सीधा सीधा, नहीं तो फिर जब वो डायरेक्शन आएंगे ना बार बार तो उलझ जाओगे, इसलिए आपको सिंपली ये याद रखना है डॉट का मतलब नॉर्थ पोलरिटी और एंटी क्लॉकवाइज, डॉट का मतलब नॉर्थ पोलरिटी और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे रूल आएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रूल लगाए, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्रॉस का मतलब क्या होगा आपका? क्लॉकवाइज और साउथ पोलरिटी। क्रॉस का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज और साउथ पोलरिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड और इनवर्ड भी कह सकते हो। इसको आप लिख सकते हो आउटवर्ड, इसको आप लिख सकते हो इनवर्ड, इसको आप क्या लिख सकते हो? इनवर्ड। ये बेसिक था, ये कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हर पॉइंट में यूज होता है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इस पॉइंट को सारे को। समझ नहीं आया तो अगर माइक ऑन करके बोल दीजिए कि ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी सिंपली नोटेशन है जो हम यूज करेंगे अभी। आपका बायोट स्वर्ट्स ला, ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया। ऑन कर दो क्या? हाँ, अब हम बात करते हैं बायोट स्वर्ट्स ला। निवेश बेटा, हाँ सर, देखो थोड़ा लेट हो गए, मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ी होगी आपने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से नोट करते हैं, एक डॉट और एक आपका क्रॉस, ठीक है। डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन या नॉर्थ पोलरिटी को शो करता है ये आपका, ठीक है, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब डायरेक्शन कैसी है फील्ड की? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और करंट किधर होगा? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होगा आपके पास? इसका मतलब होगा इनवर्ड। अभी बस ये ध्यान रखो, क्रॉस का मतलब क्या होगा? इनवर्ड, ठीक है। ये साउथ पोलरिटी को इंडिकेट करता है। एक किसको इंडिकेट करता है आपका? साउथ पोलरिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन किसकी होगी? क्लॉकवाइज की। ये डायरेक्शन किसकी होगी आपकी? क्लॉकवाइज की होगी, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दिखा दोगे? डॉट से। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन किससे दिखा दोगे? क्रॉस से। इसकी डायरेक्शन किसे दिखा दोगे आप लोग? क्रॉस से, ठीक है। अब आपके पास यहां पे आता है कि सिंपली इसकी डिस्कवरी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी, जो फ्रेंचियन कोई साइंटिस्ट था उसने बताई थी, बायोट ने कोई डिस्कवरी नहीं करी थी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। वो मैं नाम बता दूंगा एग्जैक्टली, कल बता दूंगा एक बार क्या था, बस फ्रेंचियन कोई साइंटिस्ट स्वैट्स नाम करके कुछ था उसका, उसी ने बताया था, ठीक है। लेकिन बायोट ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं थी। बायोट ने क्या बताया था वो अभी बताती हूँ। बायोट सर्वर्ट्स ला क्या कहता है? ये लो ने क्या कहा था? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, मान लिया एल लेंथ का, इसमें क्या मान लिया करंट आई क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। किसी पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ये डीएल एलिमेंट है, ये क्या आपका? डीएल एलिमेंट, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं आईडीएल। तो जब आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक स्केलर क्वांटिटी जिसे बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्केलर क्वांटिटी जिसे आप क्या कहते हो? चार्ज, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है सिचुएशन में, इसके अकॉर्डिंग करंट एलिमेंट किसके कारण प्रोड्यूस होती है? करंट एलिमेंट आईडीएल। इसमें किसकी बात करते हैं? बायोट सर्वर्ट्स लॉ में
करंट एलिमेंट आइडियल, आइडियल वर्ड को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर रीजन। जैसे पूरी लेंथ एल है, इस छोटे से पार्ट की मैं बात करूं, इतने से पार्ट की, इतने से पार्ट, इसे बोलते हैं आइडियल। करंट तो कंडक्टर में आई फ्लो कर रहा है, लेंथ क्या है डीएल, क्योंकि देखो ये करंट स्टेडी करंट होता है हमेशा, ये हमेशा कैसा करंट होगा, स्टेडी करंट होगा कंडक्टर के अंदर। बायो सर्वर्स ला वहीं लगाएंगे जब कंडक्टर में कैसा करंट फ्लो होगा, आपका स्टेडी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो वहां पे आप बायो सर्वर्स ला नहीं लगाएंगे, ठीक है। बायो सर्वर्स ला वैलिड फॉर द सिमेट्रिकल या स्टेडी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिड फॉर स्टेडी करंट और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसने यही कहा था बायोस ने, अगर किसी कंडक्टर में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो अगर ये स्मॉल एलिमेंट ले और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण आप किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, ठीक है, क्या निकालते हो, किसी पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो पूरे स्मॉल एलिमेंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड को भी किससे लिख देंगे, डीबी से। एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिख दिया, डीबी से। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट आई पासिस थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट एलिमेंट डीएल के। आइडियल क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट। आइडियल एलिमेंट क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट विच हैव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी VD, which have the drift velocity VD and electronic charge minus, ठीक है। Current element क्या बताता है, number of electron is this segment or is this element which have number drift velocity VD and charge on electron is E, ठीक है। तो Biot ने क्या कहा आपसे यहाँ पे, Biot Savart's law कहता है कि DB जो है वो directly proportional होगा, जो magnetic field होगी ना small element के कारण इस P point पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएल के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r² के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन एंगल थीटा के। एंगल थीटा किसके बीच में है, डीएल और आर के बीच में, एंगल थीटा किसके बीच में, ये डीएल एलिमेंट और ये आपका आर एलिमेंट। डीएल एलिमेंट दिख रहा होगा, मैं रेड से कर देती हूँ मार्क, ये डीएल, ये आपका डीएल है और ये इधर क्या आपका आर। डीएल और आर के बीच में जो एंगल बनेगा उसके क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां से क्या लिख सकती हूँ मैं, डीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका डीबी की वैल्यू, डीबी इज इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लेते हैं, उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4π यहाँ पे, ठीक है, इनटू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी, ये म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी। ये डायपैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पढ़ते हैं, बेसिकली मैं इसका बेसिक मीनिंग बता देती हूँ, क्या बताता है आपको, परमेबिलिटी का बेसिक मीनिंग है हाउ इज द मटेरियल पेनिट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो मेटेरियल को कितना पेनिट्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी भी मेटेरियल को कितना पेनिट्रेट कर रही है वो उस मेटेरियल की परमेबिलिटी से पता लगता है हमें, ठीक है। जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी मैग्नेटाइज हुई या वो किस हद तक उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई किसी मटेरियल में, हर मटेरियल में बराबर अमाउंट में तो नहीं जाती, तो वो डिपेंड करता है परमेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे आपका, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता था एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब फोर्स जाता है तो कैसे इफेक्टेड होता है, वो कौन बताता था आपको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यहाँ पे म्यू नॉट क्या बताएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम और मटेरियल, मीडियम नहीं मटेरियल के लिए आपके पास वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस हद तक उस मटेरियल में पेनिट्रेट हो जाएगी, मतलब घुस जाएंगी, किस हद तक घुस सकती है उस मटेरियल के अंदर, कि वो मटेरियल जितने जिस हद तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी मटेरियल में घुसेगी, मटेरियल उसी हद तक मैग्नेटाइज हो जाएगा। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन्स अंदर घुसेगी मटेरियल उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये परमेबिलिटी बताती है, ठीक है, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई म्यू, इसको बोलते हैं म्यू आर को रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन आर था ना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे आपके पास क्या था एप्सिलॉन आर था एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, लाइक दैट ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी,
इसी के बेसिस पे आप क्या डिफाइन करते हो, डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, और ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा। अगर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 के बराबर होती तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होती तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होती तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये कौन बताता है प्रोबेबिलिटी सिंपली यहां पे, बाकी इस साल उन्होंने चैप्टर से तो हटा दिया आपका ये डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक इस साल, बाकी मैं पढ़ाऊंगी आपको ये रिवीजन में, क्योंकि आईआईटी नीट से टॉपिक नहीं हटे हैं। जो टॉपिक आपके अभी सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिए वो आईआईटी नीट से नहीं हटे हैं अभी आपके वो टॉपिक, तो मैं उन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी जरूर। बोर्ड के लिए कोई करो तो कर लेना, लेकिन आईआईटी नीट वाले बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी तो ये क्या बताता है, सिर्फ पेनिट्रेशन पावर को बताता है, इसकी ये वैल्यू होगी। तो बायोसर्वर सलाह की वैल्यू क्या आई आपके यहाँ पे, ये सब बेसिक नॉलेज अलग से थी आपकी, यहाँ पे हम अब आते हैं बायोसर्वर सला। तो बायोसर्वर सला की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस पी पॉइंट पे इस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बायोसर्वर सला वैलिड फॉर स्टडी करंट एंड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण ही हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, एक बार इस पॉइंट को जल्दी नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट करो जल्दी से, ये लिख लेना, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंटल करंट, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंटल करंट। जल्दी से नोट कर लीजिए, किसी को भी अगर ना समझ आए तो मैसेज कर देना कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, और माइक ऑन करके बोल सकते हो। ये बायोसर्वर्स ला ने कहा, अभी इतनी पॉइंट समझ आया यहां तक, अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीटिंग भी अभी आपकी 5 मिनट की बची है, तो दोबारा से रिज्वाइन हो जाना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या पढ़ी थी, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी, किसी को नहीं आता तो प्लस वन की प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेना। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो जो ये एन कैप वेक्टर होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो एन कैप वेक्टर होता है बी के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसा हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं डी बी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आई तो म्यू नॉट आई तो कॉन्स्टेंट है, डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें आर का वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन, आर का वेक्टर क्या बताएगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा आपके पास, ये जो आप एलिमेंट ले रहे हो यहां से ये वेक्टर आर, ये एलिमेंट आपका डीएल, तो डीएल क्रॉस आर के बीच में एंगल थीटा बना, तो डीएल क्रॉस वेक्टर आर जो यूनिट वेक्टर ये वेक्टर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर कैप लिख लेंगे, इसको आर कैप को खोलोगे तो वेक्टर क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, तो ये क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये क्या आ गया आपके पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर कूलम्स लॉ नहीं बायो सावर्ट्स लॉ, फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ। एक बार नोट करिए जल्दी से इतना, अब देखिए एक बार आगे, इधर से लिख लो आप, जब तक अब डायरेक्शन निकालते कैसे, डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, आपके पास देखो ये यहां पे करंट एलिमेंट है, ये है डीएल एलिमेंट और ये आपका आर है, ठीक है। एक तो दो बुक्स में दो डायरेक्शन लिखी हुई है, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो,
राइट हैंड स्क्रू रूल या पाम रूल। देखो स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू को डीएल से आर पे ले जाओगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी भाई, डीएल से आर गए आप लोग तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। देखो स्क्रू को घुमाओ ऐसे, स्क्रू को खोलोगे तो उल्टा खोल लोगे ऐसे मेरी उंगलियां। देखो घुमाओगे तो मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है नीचे की साइड में, और स्क्रू को खोलते हो तो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे आएगी ना। खोलोगे तो देखो ऐसे खोलोगे, स्क्रू को खुलेगा ऐसे और बंद करोगे ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, और खोलते कैसे हो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये स्क्रू रूल से भी डीएल से आर पे घूम जाओ, डीएल से आर पे घूम जाओ तो जो भी डायरेक्शन होगी वो आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। पर ये रूल बच्चों को कम समझ आता है, जो इजी रूल है वो सुनिए। अब इसका एक और इजी रूल है जो तुम्हें बड़ी इजीली समझ आ जाता है, वो है आपका, मैं बड़े बड़े अक्षरों लिख रही हूँ, राइट हैंड लेफ्ट मत लगा देना, क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन होता है, कोई राइट लगा दे कोई लेफ्ट लगा देगा अपनी मर्जी से, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि ये फिंगर है, फिंगर की तरफ करंट लगा, जहां पे करंट जा रहा है ना, ये करंट जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को लगाओ, करंट के डायरेक्शन में। मेरी उंगली जा रही थी, अब ये पी पॉइंट था आपका, देखो ये उंगली और ये पी पॉइंट, मेरी उंगलियां नीचे जा रही है ना, नीचे की डायरेक्शन इनवर्ड जा रही है मेरी उंगलियां, देखो इस पी पॉइंट में नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। और इससे फिर अगर मैं इधर निकालू, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट क्या हो कह देती हूँ, तो देखो मैग्नीफाइंग लाइन सर्कुलर पाथ में होती है, तो यहां से मैग्नीफाइंग लाइन इनवर्ड है, तो देखो इधर कैसी है आउटवर्ड, मेरी उंगलियां इधर ऊपर आ रही क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पे डायरेक्शन कैसी होगी डॉट, और पी पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी क्रॉस। डायरेक्शन को फिर समझ लीजिए कि ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा है ऐसे, तो मैं इस पॉइंट में इधर निकाले मैग्नीफाइंग, तो मेरी उंगलियां ऐसे जाएंगी, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है ना, तो नीचे मतलब इनवर्ड, नीचे मतलब इनवर्ड, ठीक है। अब मुझे इधर निकालना इस साइड में, इधर उस मेरी दूसरी साइड में, ठीक है। अब करंट ऐसे है, मुझे अब मैं इधर से फील्ड लाइंस इनवर्ड है तो इधर कैसे आ जाएं घूम के, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन सर्कुलर पाथ बनाती है, ठीक है। तो अब इधर मेरी उंगलियां ऊपर की डायरेक्शन में आ रही, ऊपर मतलब अपवर्ड, ऊपर क्या होगा मतलब अपवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या लिखते थे डॉट, और डाउनवर्ड के लिए क्या लिखते थे क्रॉस, तो ये क्रॉस जहां पे लिखा मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इनवर्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आपकी इनवर्ड है, जहां पे भी क्रॉस लिखा हुआ होगा, ठीक है। और जहां पे डॉट लिखा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो एक सिचुएशन थी, ये मैंने कहा कि डीएल एलिमेंट और ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इनवर्ड। वैसे भी देखो स्क्रू रूल से देखो ऐसे घूमेगा स्क्रू, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब स्क्रू कैसे घूमेगा वैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, ठीक है। स्क्रू रूल फिर भी कईयों को नहीं समझ आता, लेकिन ये इजीली समझ आ जाता है कि ये मेरा अंगूठा और ये पी पॉइंट, इसी को याद रखो, मैं दो ही रूल बताऊंगी, इसी से सारी डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेरा अंगूठा है इधर और ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी पॉइंट है मेरा अंगूठा, इधर जा रहा है इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी क्रॉस। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट आर कह दूं, तो मैं यहाँ पे देखो ये मेरा अंगूठा और आर पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो कैसा हो जाएगा ये आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है इनवर्ड, और यहाँ कैसी है आपकी आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ आपकी इनवर्ड, इनवर्ड, और यहाँ कैसी है आपकी आउटवर्ड, यहाँ कैसी है आपकी आउटवर्ड, डायरेक्शन समझ आ गई, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन, तो मैं यहां से एक पॉइंट और समझिए जो आगे न्यूमेरिकल्स में फंसाएगा आपको, ये नोट कर लिया सभी ने, आपके पास क्या बी, बी की डायरेक्शन क्या होगी डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर मतलब बी जो है डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है, जैसा मैंने यहां बताया। अब यहाँ यहाँ पे बी लिख दूं, सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ए क्रॉस बी की जगह बी लिख दूं, ठीक है। तो ये जो डीएल क्रॉस आर है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है इस दोनों कंपोनेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों एलिमेंट के यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन में अभी मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहां पे डाउट ना आए आपको, जल्दी नोट कर लीजिए एक बार।
जैसे ये एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी है, ठीक है, आपको डायरेक्शन निकालनी है। तो जैसे ये कोई आपके पास करंट आई फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पी पे, आपको डायरेक्शन निकालनी है। ये करंट कोई आई फ्लो कर रहा है इस पॉइंट आर पे, आपको डायरेक्शन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये करंट की डायरेक्शन पी पॉइंट में उंगलियां किधर आ रही है, अपवर्ड, उंगलियां किधर आ रही है अपवर्ड, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटवर्ड, ठीक है। अब ये इसमें देखो, अब करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो उंगलियां आर पॉइंट में किधर हो रही है इनवर्ड, उंगलियां आर पॉइंट में किधर है इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्रॉस, इनवर्ड मतलब क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिए, कई बार ऐसे ना देखे क्वेश्चंस को थोड़ा दूसरे तरीके से भी दे देता है। जैसे आपके पास ऐसे देखो, जैसे डॉट बना दे, डॉट का मतलब क्या है कि करंट इस प्लेन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अब ऐसे समझो, एक वायर निकाल दो इस बोर्ड से आरम पार ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है, अब आपका करंट ऐसे जा रहा है, ये आर पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बतानी है। देखो करंट आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो मैग्नीट्यूड ऊपर है ना ऐसे, देखो करंट, अब एक ऐसे समझो, डॉट को ऐसे समझो कि इस तार निकाल दे ऐसे आउटवर्ड इस बोर्ड से ऐसे बाहर की साइड में, ठीक है। तो देखो उंगलियां इस पी पॉइंट पे ऐसे हो रही है ना ऐसे, और ये इसकी एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, ये डीबी होगा आपके पास, क्योंकि कि डीबी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आई, डीबी आर और एल के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए मैंने ऐसे दिखा है। जैसे क्रॉस दिखा देते आप, क्रॉस का मतलब आपकी बार तार ऐसे जा रही है अंदर, मतलब मेरा अंगूठा अब अंदर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछता है वो, ये आपके पास आर पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा, तो अब मेरी उंगलियां ऐसे जा रही, देखो ऐसे उंगलियां कैसे जा रही है ऐसे इनवर्ड ऐसे अंदर ऐसे, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डीबी। तो अभी कह रही मैं कि डीबी डीएल और डीआर दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, डीबी डीएल और डीआर दोनों के परपेंडिकुलर, जैसा कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा। फिर समझ लीजिए जो बच्चे अभी आए, पर ये करंट फ्लो कर रहा है तो इस आर पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड हो जाएगी, ये करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, तो देखो मेरी उंगलियां ऊपर है तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है। अब देखो, अभी डॉट का मतलब एक तार है जी जो इस बोर्ड से बाहर आ रही है ऐसे, तो उस बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है बोर्ड से, करंट या पानी समझ लो कि बोर्ड से बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो मेरा अंगूठा किधर जाएगा, बाहर, अंगूठा करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो आर से ऐसे ऊपर है ना ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर क्यों बनाई है, मैंने बताया कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल और डीआर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल क्या बनाएगा आपका 90 डिग्री, मैं ऐसे कहीं भी नहीं खींच दूंगी, यहाँ खींच दूंगी ऐसे, कहीं भी नहीं खींचना ऐसे, ऐसे ही अगर ये पानी जो है करंट जो है अंदर फ्लो कर रहा है बोर्ड के अंदर जा रहा है अंदर अंदर, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है, तो किधर कैसे आएगा, ऐसे नीचे की डायरेक्शन कैसे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी नीचे, समझ आ गया। एक बार नोट कर लीजिए सारा पॉइंट, सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक न्यूमेरिकल देखिए इसके बेस्ड, ये नोट हो गया, यूनिट थर्ड है बेटा, ये चैप्टर 4 एनसीईआरटी का यूनिट थर्ड मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन लेट आए थे क्या बेटा, चलिए हटा दो ये सब। हाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चल रही है अभी आपकी, हटा दो बेटा एक बार इसको, यूनिट नंबर थर्ड बेटा, यूनिट थर्ड, थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है, लिखा था यूनिट थर्ड चल रही है आज आपकी, आज मैंने आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आगे देखिए, स्टार्टिंग में ही बता दी थी ये बातें आपको मैंने, आगे देखो आप इसमें, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड और बायस।
अच्छा अच्छा देखिए एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है वो एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजन इज प्लेस्ड एट द ओरिजन एंड इज प्लेस्ड एट द ओरिजन एंड कैरीज अ लार्ज करंट कैरीज ए लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 centimeter डेल्टा एक्स कितना दे रहा है 1 centimeter तो देखो ये आपके पास करंट एलिमेंट है ठीक है ये करंट कंडक्टर जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है आपके पास ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया आपने dx स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया आपने यहाँ पे ये दूसरे पेन से दिखा देती हूँ मैं dx ये ठीक है यहां से y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालनी है अलोंग y एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन x i कैप का मतलब अलोंग x एक्सिस ठीक है इसके परपेंडिकुलर यहां पे ठीक है किसी पॉइंट p पे जो कि ये डिस्टेंस कितनी है 0.5 meter कितनी है ये डिस्टेंस आपकी 0.5 meter है ठीक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको तो ये r डिस्टेंस है और ये dx एलिमेंट है dx कह दो dl एलिमेंट कह दो ठीक है बायो सर्वेंट से ला db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर ठीक है आई डी एल मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा ही नहीं टेस्ला होती है अभी आऊंगी बेटा उसमें और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है अभी 2 मिनट रुको ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है बेटा टेस्ला यूनिट लिख लो टेस्ला ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी टेस्ला और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल अभी डिस्कस करूंगी मैं कैसे सोच रही थी अभी फ्लक्स की बात बता दूं पर मैंने तुमने पूछ लिया तो पहले बता देती हूँ ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है सीजीएस आपकी मैक्सवेल होती है ठीक है आप टेस्ला को याद रखो अभी हम टेस्ला में बात करेंगे ठीक है तो क्या बनेगा डीएल तो देखो ये डीएल और ये आर डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बना 90 डिग्री तो थीटा तो कितना हो गया आपका 90 डिग्री ठीक है तो डीबी की वैल्यू ये म्यू नॉट अपॉन 4 pi होता है ना बेटा इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 10^-7 ये याद रखना कितनी होती है 10^-7 इसको निकालना चाहो तो टेस्ला देखो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर नीचे आईडीएल आएगा तो एम्पियर मीटर मीटर से मीटर कैंसिल 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर म्यू नॉट अपॉन 4 pi की वैल्यू कितनी होती है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ठीक है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में के कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी कितनी थी वहां पे 9×10^9 होती है ठीक है तो डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 pi इसकी वैल्यू तो पता 10^-7 आई करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर तो आई की वैल्यू कितनी रख दोगे 10 ठीक है इंटू डीएल मतलब डीएक्स एलिमेंट की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर डीएक्स कितना 1 सेंटीमीटर या 10^-2 meter कह दू तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10^-2 आई डी एल साइन 90
ठीक है, और आर कितना 0.5। कितने डिस्टेंस पे पूछ रहे हो आपसे, 0.5 की डिस्टेंस पे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो डी बी आ जाएगी 4×10⁻¹ टेस्ला। डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×10⁻¹ टेस्ला। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, पहले एक बार इतना नोट कर लीजिए, सिंपल था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नहीं समझ आया था अगर बता दीजिए मेरे को माइक ऑन करके, किसी को नहीं समझ आया तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया, वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं दिख रही, ओके वन सेकेंड, नहीं बहुत ठीक है, फिर से बता देती हूँ एक बार, इसकी डीबी डायरेक्शन क्या होगी, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। डीएल कितना दे रखा, डीएक्स आई कैप, आर की डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस में, तो जे कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के कैप, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा, ठीक है।